ये जुमला नहीं तराना नगर परिषद के 5 साल के कार्यकाल की हकीकत बयां कर रहा है। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो नेताओं को याद आती है सड़क बिजली एवं पानी की व्यवस्था, लेकिन अगर बात की जाए नगर परिषद की, नगर के अधिकारी एवं नेतागण चाहते नहीं हैं कि नगर का विकास हो, चाहे बात स्वच्छता की हो या सड़क की हालत जो के त्यों बने हुए हैं। वहीं सवारी मार्ग की हालत जर्जर बनी हुई है, लेकिन शासन प्रशासन एवं नगर के जिम्मेदार नेताओं इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। हाटपुरा से लेकर भैरू महाराज चौराहा तक सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क नजर नहीं आता है। वहीं नेताजी के विकास का वादा आज भी अधूरा नजर आता है। वहीं सावन मास में बाबा तिलभांडेश्वर की सवारी निकलती है, तब तराना के जनप्रतिनिधियों को याद आती है सवारी मार्ग को बनाने की। वहीं सवारी का समापन होने के बाद सवारी मार्ग का सपना सपना बनकर ही रह जाता है। तराना नगर परिषद के CMO साहब का तो ये आलम है कि वह नगर परिषद में आकर कदम ही नहीं रखते हैं। वहीं नगर परिषद का संचालन प्राइवेट कर्मचारियों कर रहे हैं। तराना के भाजपा युवा नेता एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुनील वर्मा ने नगर परिषद भ्रष्टाचार के खिलाफ खोली पोल। उज्जैन तराना से अर्पित बोधाना की रिपोर्ट। नगर परिषद की लापरवाही चलते कई नगर में ऐसी समस्याएं हैं, जगह जल तालाब जल कुंभे की समस्या हो या सड़क की समस्या हो या कॉम्प्लेक्स लेकर समस्या हो, कई समस्या से जूझ रहा था, क्या कहेंगे विषय को लेकर आप? देखिए, नगर की जो सरकार है जी, वो कुल मिला के हर मामले में अक्षम हो चुकी है जी। हम देखा जाए कि 5 साल के कार्यकाल में नगर पंचायत की इतनी विसंगता आई है जितनी कभी भी नहीं आई है जी। बहुत सारी सरकारें यहाँ पर नगर पंचायत में रही हैं, जब जब उन्होंने कार्यकाल किया है तो बहुत सारे कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, पर इस 5 साल के कार्यकाल में ऐसा लगा है कि नगर सरकार जीरो है, शून्य है जी। क्योंकि वो अपनी दुविधा में खुद फंसी हुई है। नगर सरकार ने क्या कार्य किए हैं? तराना नगर के लिए विसंगतियाँ खड़ी की है, तराना नगर के लिए परेशानियाँ खड़ी की है। आप देखा जाए तो नगर में पाइपलाइन का विषय आप देख लीजिए, कब ये चालू होना थी, कब सप्लाई होना थी, पाइपलाइन डली है, गड्ढे खुदे हुए, रोड का निर्माण है अधूरा है, ये सारी जगह इसी अव्यवस्था हो रही है। आज हम जिस रोड पर खड़े हैं, ये तराना का मेन रोड है, सवारी मार्ग है, ये यहाँ से हाटपुरे से लेकर तेज चौक तक का एक प्रमुख रोड है। इस रोड की हालत 5 साल से विगत लोगों को पता चल रही है, ये 5-5 साल पुराने गड्ढे हैं जो अभी तक पानी से भरे हुए हैं, देख लीजिए आप। क्योंकि स्थिति ये है, आश्वासन मिलता है, बार बार कहते हैं, टेंडर डलता है, टेंडर ही टेंडर होता है, बार बार टेंडर लेप्स हो जाते हैं। कारण क्या रहता है? क्या जनता मना कर रही है बनाने के लिए? जनता तो आपसे बोल रही है बनाइए, पर आपकी कमियां हैं, नगर पंचायत की कमियां, बनाना चाहती नहीं है। 3-3 बार इस रोड पे टेंडर डल चुके हैं, 3-3 बार इस रोड के टेंडर कैंसिल हो चुके हैं। इसके बाद में और भी ऐसी विषय हैं जो नगर पंचायत को सोचने पड़ेंगे। अब तराना का बाउंड्री वॉल ले लीजिए, तालाब का पूरी बाउंड्री वॉल बनना चाहिए, तालाब की बाउंड्री वॉल नहीं बनी है। नगर में जहाँ जहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालयों के निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं, शौचालयों के टंकियाँ गायब है, वहाँ के सामग्री गायब है, हेडपम्प के आप देखिए हेडपम्प के अंदर के है ना पाइप गायब है, इनकी मोटरें गायब है, ये स्थिति हो रही है। कहाँ आ गई वो सामग्रियाँ, कौन लेके जाता है सामग्रियाँ? आप इतने बिल लगाते हैं पूरे स्ट्रीट लाइट तराना नगर के अंदर जितने खंभे हैं, इन खंभों के अंदर जितने भी बल्ब या स्ट्रीट लाइट पर लैंप लगने चाहिए, वो एक भी लैंप नहीं है, खंभे खड़े हैं, लैंप गया पे है। आपने इतने इतने बार पे टेंडर डाले हैं, इतनी बार आपने सामग्री खरीदी, सामग्री गई कहाँ, कहाँ जाती है, कौन लेके जाता है, वो सामग्री कहाँ जा रही है? आप देखिए सफाई व्यवस्था की सामग्री देखिए, आप ब्लीचिंग की सामग्री देखिए, आप सामग्रियाँ आज सैनिटाइजर हो को 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, पूरे नगर में कोई सैनिटाइजर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? अभी कोरोना खत्म हो गया है क्या? कोरोना चल रहा है ना, तो आप सामग्री आपकी कहाँ गई? मच्छर मारने की दवा कहाँ गई? आपकी फॉपिंग मशीन कहाँ गई? आपके पास मेला ढोने के लिए आपके पास पूरा एक टैंक रहता है नगर पंचायत का, वो भी आपने तोड़ कर पटक दिया है, उसका भी कोई अव्यवस्था है? आप देखिए जो भी सामग्रियाँ समाज के बीच में है, तराना के विकास के लिए होना चाहिए, तराना की सुविधा के लिए होना चाहिए, जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, पर वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की सुविधा के लिए उपयोग हो रही है। आप देखिए, आप मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी एक सत्ताधारी पार्टी के नेताजी हैं, और आपने जो आरोप लगाना बिल्कुल आरोप सत्य है, लेकिन कहने के देखा आप भी एक सत्ता में है तो कहीं आपने भी इसका जिसका मुद्दा नहीं उठाया। इस मुद्दे को हम 5 साल से लगातार उठाते आ रहे हैं। मैंने ये मुद्दा 2014 में भी उठाया था, इसके बाद में 2015 में भी उठाया था, अभी रोड का मुद्दा हम लगातार पहले भी उठाए हैं। मैंने ये इस रोड का ये 5वीं बार मुद्दा उठा चुका हूँ मैं लगातार, ये रोड बनना चाहिए, ये सवारी मार्ग है, प्रमुख मार्ग है, इस रोड पे हजारों लोग निकलते हैं। कहीं ये शांति समिति की बैठक होती है, कई बार इसका प्रस्ताव पारित किया जाता है कि रोड बनाने काम, लेकिन कहीं ना कहीं केवल दिखावा की मात्र रह जाती है। समिति की बैठक सिर्फ दिखावे के लिए है, सिर्फ आश्वासन के लिए, मूल स्थिति पर लोग काम करना नहीं चाहते हैं, उनको
अब आने वाले समय पर जनता को जवाब देना होगा, उन लोगों को जवाब देना होगा क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। अब आने वाले समय पर किस मुंह पर लोगों के पास जाएंगे ये देखिए, आप जनता उनको जवाब देगी क्योंकि ये काम दिख रहा है कि कौन सा काम हो रहा है। आपके सामने नगर में काम बहुत सारे पड़े हैं, पेंडिंग काम पड़े हैं, इनको निपटाना पड़ेगा और नहीं निपटाएंगे तो आने वाले समय पर उनको मौका नहीं मिलेगा। तो जनता के पास उनको जाने के लिए जवाब भी उनकी ये जवाबदारी, उनकी ये जवाब देना पड़ेगा और जनता को जवाब देने के लिए उनको सक्षम बनना पड़ेगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप जीत के आए, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, आप पार्षदों की स्थिति उनको ही पता नहीं है, नगर पंचायत अध्यक्ष को पता नहीं है, सीएमओ साहब के प्राइवेट कर्मचारी नगर पंचायत चला रहे हैं। मैं तो सीधे मुंह पे आरोप लगाता हूँ, स्थिति ये रही। अब देखिए नगर पंचायत की जिम्मेदारी किसकी है, नगर को संवारने की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होती है। यहाँ की प्रकाश व्यवस्था, यहाँ की पानी की व्यवस्था, जितनी व्यवस्था है, नगर को समृद्ध बनाने की व्यवस्था नगर पंचायत की होती है।